Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Abdul Loha. Today, the topic of our class is drug use in dentistry. के डेंटिस्ट्री में हम कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, नॉर्मली पेशेंट को कौन से ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर डेंटल ट्रीटमेंट या फॉर द क्यूरिंग ऑफ पेशेंट. तो ये जो टॉपिक है ये है थर्ड सेमेस्टर डेंटल स्टूडेंट डेंटल टेक्नोलॉजी के लिए पेपर वन पेपर बी. टॉपिक नेम इज ड्रग यूज इन डेंटिस्ट्री. के डेंटिस्ट्री में हम मोस्टली कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होता है, हाउ वी रिलीफ अ पेन ऑफ पेशेंट, पेशेंट का पेन हम किस तरह रिलीफ करते हैं. तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जाने कि इसकी पहली डिफिनीशन क्या है. दोज ड्रग विच आर यूज फॉर द रिलीफ ऑफ टूथ एक और एनी डेंटल प्रॉब्लम फॉलोइंग यूज फॉर एज वेल एज फॉर फीवर आल्सो. कहते हैं कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास पेन को रिलीफ करते हैं. पेशेंट कंप्लेंट के साथ आता है, वो पैनिक कंडीशन में होता है, वो पेन के साथ आता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मेडिकेशन ऐसे ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से या वो यूज़ करने से उसको पेन रिलीफ होता, उसका पेन रिलीफ होता है, उनको रिलीफ मिलती है वो पेन से. तो उस ड्रग को हम कहते हैं कि द ड्रग यूज इन डेंटिस्ट्री. तो उसमें मल्टीपल ड्रग्स आते हैं क्योंकि पेशेंट की कंप्लेंट मल्टीपल होती है. कोई पेन के साथ आता है, कोई इन्फेक्शन के साथ आता है, कोई दूसरे प्रोसीजर के साथ आता है, तो मल्टीपल ड्रग्स यूज होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड कि कौन सी पेशेंट को कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है. तो उसमें सबसे पहले जब पेन के साथ एक पेशेंट आता है तो उसको हम एनर्जेसिक देते हैं. एनर्जेसिक वो ड्रग होते हैं जो पेन रिलैक्स करते हैं, ठीक है, पेन को कम करते हैं, ठीक है. उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले मोस्टली जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो है ब्रुफेन, ठीक है, 200 mg या 400 mg अकॉर्डिंग टू द एज हम प्रिस्क्राइब करते हैं. फिर देखते हैं अगर पेन कम है तो लो डोज में देते हैं, पेन ज़्यादा है तो हाई डोज में देते हैं. फिर उसके बाद उसके प्रिस्क्रिप्शन, अगर पेन इतना है कि मतलब इससे रिलीफ होता है तो दिन में हम एक गोली लिख सकते हैं, अगर पेन ज़्यादा है तो दिन में हम दो गोली भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फिर उसके बाद है एसिटामिनोफेन जो कि हमारे पास ब्रांड नेम से आती है कॉन्स्टान के नाम से, ये भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ये क्या करता है, पेन को रिलीफ करता है, ठीक है, टेम्पररी. फिर उसके बाद एस्पायरिन, मोस्टली कुछ पेशेंट इस तरह आते हैं वो कहते हैं कि पेन के साथ साथ मुझे बुखार भी होता है, तो हम एस्पायरिन और साथ में पेनाडोल वगैरह भी दे सकते हैं पेशेंट को. फिर सेकेंड बार आती है एनेस्थेटिक की, कि हम डेंटिस्ट्री में जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं जैसे कि लेट सपोज करो फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन या आरसीटी या कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट, तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं. किस लिए देते हैं, टू नम द एरिया, कि वो जगह सुन हो जाए और हम उसमें पेन फ्री प्रोसीजर करें. तो उसके लिए सबसे पहले मोस्टली जो क्लिनिक में यूज होता है वो लेटोकेन 2%, ये मोस्टली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में. इसके अलावा हम ज़ाइलोकेन टॉपिकल जेल भी दे सकते हैं, जैसे कि एक पेशेंट है वो वॉरिड है, वो नहीं लगाता इंजेक्शन, तो हम टॉपिकल फॉर्म में भी ज़ाइलोकेन और ये जेल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए स्प्रे मिलती है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया पे. फिर लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एक प्रोसीजर है वो 1 घंटे से ज़्यादा है, फिर उसके लिए हम लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं जैसे कि बपिवीरकैन वगैरह. इसके बाद फिर बारी आती है हमारे पास एंटीबायोटिक की. एक पेशेंट आता है पेन के साथ और साथ में मतलब उसको इन्फेक्शन भी है, तो हमने प्रोसीजर तो कर लिया, उसके बाद हम पेशेंट को साथ में पेन किलर के साथ साथ एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं. वजह ये होती है कि जो इन्फेक्शन है वो इससे ख़त्म हो जाए, वो और स्प्रेड ना हो, तो उसके लिए हम साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं. उसमें मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो हम एमोक्सिसिलिन करते हैं 250 mg, 500 mg, 1 gram. अगर सीवियर इन्फेक्शन है, ज़्यादा है चांसेस और ज़्यादा है, तो हम पेशेंट को आईवी लाइन पे भी लगा सकते हैं. फिर उसके बाद सेफिक्साइन, ये भी मोस्टली यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में. सेफ्रेडिन वेलोसिफ के नाम से जो आती है वो भी हम मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर डेंटल एक्सट्रैक्शन या आफ्टर इन्फेक्शन वगैरह स्वेलिंग. उसके अलावा को एमोक्सिक्लेव कॉम्बिनेशन ऑफ एमोक्सिसिलिन विद क्लैवलिनिक एसिड, वो भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. फिर उसके बाद कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है मतलब पेशेंट को वो अगर ये एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हम उसको टेट्रासाइक्लिन
ठीक है, सेफेलस कोरिन उस पर हम पेशेंट को डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एंटी फंगल, कुछ कंप्लेंट इस तरह होंगे कि पेन होगा लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, जो पैथोलॉजी होगी वो फंजाई की वजह से, जैसे कि ओरल कैंडिडियासिस है, तो उसके लिए फिर हम एंटी फंगल ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो हम टेबलेट फॉर्म में या जेल फॉर्म में, ठीक है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारे पास है म्यूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन, फ्लूकोनाजोल, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो थे पेन किलर्स, मतलब पेन रिलीविंग ड्रग्स। फिर उसके बाद एनेस्थेटिक, एंटीबायोटिक, इसके अलावा अदर्स। अदर्स में आते हैं हमारे पास जो कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, जैसे कि एक पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है तो सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली मेडिकेटेड टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है सेंसिटी सेंसोडाइन रैपिड एक्शन, ठीक है, और यह हमारे पास मेडिकेटेड टूथपेस्ट है तो ये अदर्स में आते हैं। इसके अलावा माउथ वाशेस, के उनको रिंसेस की बहुत ज़रूरत होती है ताकि इन्फेक्शन सबसाइड हो या जो स्वेलिंग है वो सबसाइड हो, उसके लिए मोस्टली माउथ वाशेस यूज होती है। ये था आज का लेक्चर। अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स था तो काइंडली ग्रुप में फिर मुझसे पूछें।